हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइंड्री ट्यूब प्रयागराज में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का मेमोरी यूनिट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए बात करते हैं मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज डिवाइस की। तो हमें एक कंप्यूटर को यूज़ करना है, एक कंप्यूटर से कोई भी वर्क परफॉर्म करवाना है। तो कुछ भी वर्क परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए उसको मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई किसी काम को करना है तो हमें उस काम को स्टोर करना होता है, उस वर्क को कहीं ना कहीं रखना होता है, तब जाके हम उस वर्क पे कोई भी एक्शन ले पाते हैं। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर को भी कुछ काम करना है और उसको कुछ काम को करना है तो वहां पे मेमोरी की भी जरूरत होती है, जिससे कि वो क्या कर सके, उस आपके उस वर्क को कहीं स्टोर करके उस पर कोई एक्शन ले सके। तो बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्टोरेज की। यहाँ पे कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, जिसमें पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी का भी एक दूसरा नाम होता है, उसका नाम है ऑक्सिलियरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का भी एक दूसरा नाम होता है, जिसको हम लोग ऑक्सिलियरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने प्राइमरी मेमोरी पे, बात कर लेते हैं क्या होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। तो प्राइमरी मेमोरी उसी डेटा को, उसी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, रखता है जो प्रेजेंट में वर्क हो रहा होता है। इट मीन्स कोई भी काम आपका हो रहा है, इसका मतलब वहां पे जो भी काम हो रहा है वो सारा वर्क, सारा डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी ही होल्ड करता है। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी ही होती है, लिमिटेड कैपेसिटी ही होती है, एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। और जैसे ही आपका पावर का फ्लो होना बंद होता है, पावर स्विच ऑफ होता है, देन आपका डेटा लॉस हो जाता है, आपका डेटा तुरंत वहां से इरेज हो जाता है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये सामान्यतः सेमी कंडक्टर डिवाइस से मिलके बना होता है, सेमी कंडक्टर डिवाइस से बनता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरीज। तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज करके इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है, मेन मेमोरी। यूजुअली वोलाटाइल मेमोरी, ये क्या होता है, इसका नेचर जो होता है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी जहां पे डेटा तभी तक होल्ड हो, तभी तक स्टोर हो जब तक उसको पावर का सप्लाई मिल रहा हो। जैसे ही पावर का सप्लाई ऑफ होता है वो डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इस टाइप के मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, या फिर वोलाटाइल नेचर की मेमोरी कहते हैं। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। तो अगर आपका पावर स्विच ऑफ होता है तो आपका डेटा तुरंत ही वहां से लॉस हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और प्राइमरी मेमोरी को यानी मेन मेमोरी को किसी कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कही जाती है। एग्जाम्पल में आपका कोई भी इमेज है, कोई भी डेटा है, वो स्टोर है, तो वो स्टोर कहाँ होता है लॉन्ग टर्म के लिए, सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब आप किसी भी डेटा पे, किसी भी इंफॉर्मेशन पे, किसी भी इंस्ट्रक्शन पे कोई काम कर रहे होते हो, इसका मतलब क्या है, वो आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है। और इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में ये फास्ट होता है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। कोई भी कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता। काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग के दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में मेंशन करना है आपको। रोम का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, वो भी आपको कमेंट में मेंशन करना है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, बात करने वाले हैं रैम पे। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम का मतलब क्या होता है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ लेते हैं हम लोग, ऐसी मेमोरी जो काफी तेजी से, या फिर ऐसी मेमोरी जहां के डेटा को हम लोग काफी तेजी से एक्सेस कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, उसको हम लोग रैम कहते हैं। रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो रैम क्या होता है, किसी भी सीपीयू का इंटरनल मेमोरी, किसी भी सीपीयू के इंटरनल मेमोरी होता है, कोई भी सीपीयू होगा उसका इंटरनल मेमोरी कौन होता है, रैम होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप किसी डेटा को स्टोर करते हो, किसी प्रोग्राम को स्टोर करते हो, एंड किसी प्रोग्राम के रिजल्ट को भी वहां पे किसी को शो करवा सकते हो। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। तो जब कभी मशीन यानी कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, उस टाइम पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को रीड कर सकते हो और किसी भी डेटा को राइट कर सकते हो, या फिर आप वहां पे डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हो। एज सून एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज इरेस्ड। तो जब तक मशीन ऑन है तब तक डेटा आपको वहां पे दिखेगा, शो करेगा, जैसे ही मशीन डिवाइस ऑफ हुआ आपका डेटा वहां से तुरंत इरेज हो जाएगा, यानी लॉस्ट हो जाएगा। डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपका डेटा जो रैम में होता है आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। रैम इज वोलाटाइल, डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ देयर इज अ पावर फेल्योर, हेंस अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम इज ऑफन यूज्ड विथ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या होता है, वोलाटाइल वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। वोलाटाइल का मतलब ऐसी मेमोरी जहां पे डेटा तभी तक स्टोर हो जब तक उसको पावर का सप्लाई मिल रहा हो, जैसे ही पावर का सप्लाई कट होता है, ऑफ होता है, वहां का डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी इरेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपका डेटा क्या हुआ, पावर कट हो गया और आपने यूपीएस को यूज किया है, उस कंडीशन में क्या होता है, यूपीएस क्या करता है, आपको कुछ टाइम तक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करता है। आप उस टाइम ड्यूरेशन में अपने उस मैटर को आप सेव कर सकते हो, यानी बैकअप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने यूपीएस नहीं यूज किया है, डायरेक्टली आप पावर को एक्सेस कर रहे हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही पावर का सप्लाई कट ऑफ हुआ आपका डेटा तुरंत लॉस हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर आर टू काइंड ऑफ रैम। अब आपका रैम भी दो टाइप का होता है, पहला है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनामिक रैम। अगर इनका पूरा नाम लिया जाए तो क्या कह सकते हैं हम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है स्टैटिक रैम, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इन दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। तो स्टैटिक क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो आपका कंटेंट लिखा जाएगा, जो आपका डेटा लिखा जाएगा, वो तभी तक सप्लाई होगा, तभी तक स्टोर रहेगा जब तक पावर की सप्लाई उसको मिलती रहेगी। हाउएवर डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलाटाइल नेचर। अब रैम क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है, तो वोलाटाइल नेचर का होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन। तो जैसे ही पावर डाउन हुआ, पावर का सप्लाई कट हुआ, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। SRAM चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। SRAM क्या करता है, SRAM चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर। तो ये 6 ट्रांजिस्टर के मैट्रिक्स का यूज करके बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कैपेसिटर यूज नहीं होता। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। अब ट्रांजिस्टर को यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। अब उसके जो लीकेज है डेटा का, उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रांजिस्टर को किसी भी पावर की जरूरत नहीं होती। SRAM need not have to be refreshed ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे SRAM को रेगुलर बेस पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। SRAM uses more chips than DRAM। तो DRAM के कंपैरिजन में SRAM क्या करता है, ज्यादा चिप को यूज करता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। वही सेम स्टोरेज स्पेस SRAM के भी होगा और DRAM के पास भी होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे जो बात आती है DRAM की, तो उसी सेम स्टोरेज को, उसी सेम स्पेस को
स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए इसको क्या होगी, ज्यादा चिप की जरूरत होगी और उसको कम चिप की जरूरत होगी, दस मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर, इसी वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। सो SRAM इज यूज्ड एज कैश मेमोरी एंड हैज वेरी फास्ट एक्सेस, इसी वजह से क्या होता है, SRAM यूज करता है कैश मेमोरी को एंड हैज वेरी फास्ट एक्सेस, और ये क्या होती है, कैश मेमोरी काफी फास्ट एक्सेस करती है किसी भी डेटा को। नेक्स्ट पॉइंट है DRAM, DRAM unlike SRAM must be continually refreshed in order to maintain the data, तो आपके डेटा को मेंटेन करने के लिए DRAM को टाइम टू टाइम continuously periodically refresh करने की जरूरत पड़ती है। This is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrites and data several hundred times per second, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड में लगभग आप 100 बार डेटा को rewrite कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितनी बार वो रिडाइट करेगा मतलब स्टोर करेगा उस डेटा को, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, जैसे रिफ्रेश होता है वैसे ही वो रिलोड होता है डेटा। DRAM इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी, DRAM ज्यादातर यूज होता है आपको सिस्टम मेमोरी के लिए, बिकॉज इट इज चीप एंड स्मॉल, ये क्या होता है, छोटा होता है और सस्ता होता है। ऑल DRAMs आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑन विच आर कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, तो आपके जितने DRAM होते हैं मेमोरी के एक सेल से बने होते हैं जिसको कंपोज कर दिया जाता है, किस फॉर्म में, एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से कंपोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इट हैज शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा का छोटे डेटा का लाइफ लगभग होता है, स्लोअर एज कंपेयर टू SRAM, और SRAM से कंपेयर करोगे तो ये क्या होता है, स्लो होता है, साइज क्या होती है, लेस होती है, लेस पावर कंजप्शन होता है, नीडेड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली, और टाइम टू टाइम पीरियडिकली रिफ्रेश करने की भी जरूरत पड़ती है। यूज एज RAM, तो RAM के तौर पे इसको यूज किया जाता है, लेस एक्सपेंसिव और काफी कम सस्ता भी होता है। जैसे हम लोग जो अपने सिस्टम यूज करते हैं लगभग ज्यादातर हम लोग इसी RAM को यूज करते हैं, और ये कौन सा RAM है, DRAM है। नेक्स्ट है हम लोग का प्राइमरी मेमोरी, हम लोग प्राइमरी मेमोरी में हम लोग दो को पढ़े, कौन कौन सा था, रैम और रोम था। रैम में भी हम लोग दो पार्ट को पढ़े, SRAM और DRAM। अब बात करते हैं हम लोग रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जहां के डेटा को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पर कोई उसको राइट नहीं कर सकते। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट, ऐसी मेमोरी जहां के डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पर कोई भी रिटर्न कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उस मेमोरी को हम लोग रोम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, इस टाइप की मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है, नॉन वोलाटाइल इन द सेंस मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे डेटा डिलीट होने वाला नहीं है जब तक हम डिलीट नहीं करते, चाहे पावर की सप्लाई 10 बार ऑन हो 10 बार ऑफ हो, हमेशा क्या हो आती जाती रहे पावर की सप्लाई, तो भी कोई इफेक्ट इस पे पड़ने वाला नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में यहाँ पे क्या होता है, कई सारे डेटा आपको परमानेंट के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं क्योंकि सिस्टम को जरूरत होती है उनकी। अ रोम स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, और इसी रोम में ही उस टाइप के इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जब क्या होता है किसी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए उस डेटा की उस इंफॉर्मेशन की क्या होती है यहाँ पे जरूरत होती है। दिस ऑपरेशन इज रिफर्ड टू एज बूटस्ट्रैप, इस ऑपरेशन को रिफर कर दिया जाता है जैसे कि बूटस्ट्रैप, जैसे आपका क्या करते हो सिस्टम को ऑन करते हो तो जो सबसे पहला कोई प्रोग्राम रिलोड होता है किसमें, रैम में, वो होता कहाँ है, रोम में, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे सिस्टम को जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे उस टाइप के इंफॉर्मेशन को उस टाइप के डेटा की जरूरत है जिससे क्या हो सिस्टम स्टार्ट हो सके। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज इन द कंप्यूटर बट ऑल्सो इन द अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन, तो रोम सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं यूज होता बल्कि आपके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज होते हैं, जैसे एग्जांपल में वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव भी हो गया, वहां पे भी आपका ये रोम यूज होता है। काइंड्स ऑफ रोम,
तो रोम हम लोग के चार टाइप के होते हैं। पहला है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम, तीसरा है ईईपी रोम एंड फोर्थ है एम रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे ऐसा रोम, ऐसे रोम की बात की जा रही है जो क्या हो? प्रोग्रामेबल हो। नेक्स्ट क्या है? ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड थर्ड ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड फोर्थ कौन सा है? मास्क रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं हम लोग पी रोम की, तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूजर। तो पी रोम क्या होता है? एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है जिसको कोई यूजर एक बार मॉडिफाई कर सकता है। इट मींस एक बार कोई चेंजिंग कर सकता है उसमें रखे गए डेटा पे, एक बार कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है। द यूजर बाइज अ ब्लैंक पी रोम एंड इंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम। तो कोई यूजर पी रोम को परचेज करके एक बार किसी डेटा को वहां पे स्टोर कर सकता है, लेकिन बाद में अगर नेक्स्ट टाइम वो क्या है चाहे कि इरेज करके स्टोर कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ईईपी रोम, सॉरी ईपी रोम। यहाँ पे क्या होता है? द ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ईपी रोम में क्या होता है? यहाँ के डेटा को आप एक्सपोज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अल्ट्रा वायलेट लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से आप इसके प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हो फॉर अ ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट। लगभग 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन ये एक्सेस एक्सेप्ट करता है। यूजुअली एन ईपी रोम इरेजर अचीव्स दिस फंक्शन। सामान्यतः हम क्या करते हैं, इसके प्रोग्राम को इरेज करके या फिर इस फंक्शन का, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम यहाँ पे किसी डेटा को डिलीट करके इरेज करके फिर से रिप्रोग्राम कर पाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ईईपी रोम। द ईईपी रोम इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, आप नाम पे ही जाइएगा, काम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डेटा को हम लोग इरेज कर सकते हैं। अब इरेज कर सकते हैं तो फिर से रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं, इसीलिए तो इरेज करेंगे। अब बात आती है इरेज करने की, जो टेक्निक है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली है। तो यहाँ पे कहते हैं आप इलेक्ट्रिकली इसके डेटा को, इसके प्रोग्राम को रीड करके फिर से रीराइट रिप्रोग्राम कर सकते हो। इट कैन बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम। लगभग इसके डेटा को आप 10,000 बार डिलीट करके फिर से रिप्रोग्राम फिर से राइट स्टोर कर सकते हो। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिलीसेकंड। आपका इरेजिंग और प्रोग्रामिंग वाला जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 से लेकर 10 मिलीसेकंड तक यूज करता है। इट मीन्स इतने के टाइम ड्यूरेशन में ये उस प्रोग्राम को इरेज कर देगा या फिर रीराइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी। इट मीन्स यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन, आपको जरूरत है तो आप यूज करिए, नहीं जरूरत है तो यूज ना करिए। तो बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी लिखा है रिमूवेबल मेमोरी। इसका मतलब आप इसको मूव करके वहां से रिमूव करके कहीं दूसरे सिस्टम में भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इस टाइप के मेमोरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। अगर कंपेयर करें मेन मेमोरी से तो ये क्या होगी? स्लोअर होगी। क्यों स्लोअर होगी? उसका भी कुछ रीजन। अब बताइए यहाँ पे क्या है, जो डेटा है वो कहीं पर रखा गया है, अब स्टोर है कहीं पे, तो वहां से डेटा को लाने में टाइम तो लगेगा ना, इसीलिए स्लोअर है। अब लेकिन प्राइमरी मेमोरी में रैम में क्या होता है? डेटा आपके सामने फ्रंट पे चल रहा होता है, आप जो कुछ भी लिखते हो आपके सामने वो दिख रहा है, तो वो रैम में है, लेकिन आपने उसको सेव कर दिया है, कहीं पे स्टोर हो गया है, तो वो कहाँ पे जा चुका है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, या फिर हम लोग रोम में भी सेव कर लेते हैं। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को परमानेंट बेस पे स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरीज, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड विया इनपुट आउटपुट रूटीन। तो सीपीयू डायरेक्ट इस मेमोरी में रखे गए डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर उसको एक्सेस करना है तो वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला जो रूटीन है, जो प्रोसेस है, उसकी जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स वो रखा है फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव क्या करेंगे, पहले हम अपने सिस्टम में अटैच करेंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे,
इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या करेंगे, जाके उस पेन ड्राइव में विजिट करेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे, फिर उस फाइल को ओपन करेंगे, तब जाके वो रैम में आएगा, तब उस पर हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, इट मीन्स यहाँ पे जो परमानेंटली डेटा स्टोर किया गया है उस पर हम कोई काम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो रैम में रिलोड ना हो जाए, जब तक वो रैम में ओपन ना हो जाए। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। कोई भी कंटेंट हो आपका सेकेंडरी मेमोरी में, सबसे पहले उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, रैम में ट्रांसफर करते हैं, तभी कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। उसके बाद जब वो क्या मेन मेमोरी में डेटा आता है, उसके बाद ही सीपीयू उसके किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल डिस्क, सीडी रोम एंड डीवीडी। एग्जांपल जैसे आपका सीडी रोम हो गया, डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और भी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, तो बहुत सारे ऐसे आपके हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी की करेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। ये क्या होता है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होता है। इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। इसको हम लोग बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा होता है जो रैम में, उसको हम लोग बैकअप करते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर हम लोग यहाँ कर सकते हैं और रोम में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको बैकअप मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है उसको क्या करते हैं, इस पर स्टोर कर लेते हैं, अब वापस से कभी जरूरत पड़े तो फिर से एक्सेस करके उस पर फिर से कोई एडिटिंग कर पाते हैं। इट वॉज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती क्यों होती है, उसका रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इज पावर इज स्विच और ऑफ। डेटा यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट स्टोर हो जाता है, चाहे आपका पावर ऑन हो, चाहे ऑफ हो, चाहे बार बार आप ऑन ऑफ करते रहिए, वहां पर उस डेटा पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज वाइज में स्टोर है तो। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इसको हम लोग स्टोरेज कंप्यूटर के किसी डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज मीडियम में भी यूज करते हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। और क्या होता है, कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के आसानी से रन कर सकता है, वहां पे कंप्यूटर को कोई जरूरत नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी की कोई रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो डेटा है, उसके सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर है, रोम में स्टोर है। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज वाइज में रखे गए डेटा को कंप्यूटर को कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी जरूरत है, वो हमारी खुद की नीड है, हम उसको अपने यूज के लिए रखते हैं। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। अगर कंपेयर करें प्राइमरी मेमोरी से तो ये क्या होता है, स्लोअर होता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप तो आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, नाम लेते हो ना HDD, तो उसी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है CD है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, SD कार्ड है, MMC है, USB है। तो हम लोग अगली वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर ये इनके कुछ वर्क के बारे में, या कौन कौन सी होती हैं आपके हार्ड डिस्क, सॉरी कौन कौन से आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।